नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के बस स्टैंड के पीछे चोरों ने एक बंद पड़े घर को बनाया निशाना। नकदी, गैस सिलेंडर और सोने के गहने चोरी कर हुए फरार। जालंधर की न्यू गुलमोहर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक किराने की दुकान में लगी आग, 5 खड़ी कार को भी लिया अपनी चपेट में। सब डिवीजन तलवंडी साबो में पावर कॉम ने बिजली का बिल ना भरने वालों के खिलाफ शुरू की मुहिम, कई लोगों के काटे बिजली के कनेक्शन। और अब हलचल विस्तार से। जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चोरों की ओर से भी अपनी कोशिशें तेज की जा रही हैं। वहीं बठिंडा के बस स्टैंड के पीछे एक बंद पड़े घर को चोरों द्वारा अपना निशाना बनाते हुए घर के ताले तोड़कर नकदी, गैस सिलेंडर और सोने के गहने चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए घर के मालिक ने बताया कि उनके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था, जिनका हाल जानने के लिए वे बाहर गए थे। इस दौरान कार में आए चोरों द्वारा उनके घर के ताले तोड़े गए और घर में पड़ी 5,000 की नकदी, गैस सिलेंडर और लगभग 1.5 तोले सोना चोरी कर चोर ले गए। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस की ओर से चोरों को जल्द काबू करने का भरोसा भी दिया गया है। जी, चोरी हो गई है तो मेरे भतीजे का होया सी एक्सीडेंट, मैं तो उत्थे सी फरीदकोट, वह मरण वाला पै गया, जाके देख लो मेरे तो मेरा एक सिलेंडर लै गए चक के, नाले 5,000 रुपया वो डब्बे थले मैं रख गई सी, ते नाले मेरे 1.5 तोला सोना पिया सी घरे, 2 कांटे जोड़ियां कटोरी वालियां वो मेरे पोतियां दे वास्ते बनाइया सी। आ मेरी पोती खड़ी है, इहदा माँ प्यो मरिया, मैं कहा चल दादियां मैं कराया इकट्ठा करके इन्हां वास्ते चीज बना के रख ली सी, भी मैं शुगर दी मरीज हाँ, बीमार रहनी हाँ, कि मैं कदों मर्जी कुछ हो जाए। हाँ जी, घरे कोई है नहीं सी, तड़के हुई है 3 बजे, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਜੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ ਜੀ, ਉਹ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਈ ਹਾਂ ਥਾਣੇ, ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰਬੜ ਕਟਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚੌਂਕੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਬਹ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। जालंधर की 3 स्टार कॉलोनी के पास न्यू गुलमोहर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक किराने की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पास में खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कार को आग लगने के कारण लोगों के मन में डर का माहौल बन गया, जिसके बाद लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लोगों की मदद से कार को आग वाली जगह से हटवाया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला सर, सानू हेडक्वार्टर तो 10:30 बजे इतलाह मिली है कि स्टार कलोनी लम्मा पिंड चौंक के कोल घर दे विच अग लगी, तो मौके दे ते हाजर स्टाफ जिहड़ा वा ਬਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਦੁਕਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਟ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾ ਗਿਆ। पावर कॉम ने अब बिजली का बिल ना भरने वालों के खिलाफ अपना प्लास चलाना शुरू कर दिया है। सब डिवीजन तलवंडी साबो में पावर कॉम की तरफ से बिल ना भरने वाले लोगों के बिजली के कनेक्शन काटने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत अब तक बहुत सारे लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं और लाखों रुपयों की रिकवरी भी की जा चुकी है। वहीं विभाग की ओर से 25,000 से अधिक के बिल वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि लाख से ज़्यादा वाले लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक बहुत सारे लोग बिल माफ़ होने की उम्मीद में ही बिल नहीं भर रहे। उन्होंने कहा कि जब तक डिफाल्टर लोगों की ओर से बिल नहीं भरे जाते, यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। लोग जड़े साढ़े पावर काम दे डिफाल्टर ने जी, बिल नहीं भर रहे, उन्होंने खिलाफ ये मुहिम है। खिलाफ नहीं, वैसे हक च ही है, लोगों को पे करना चाहिए जो यूज करते हैं। जी किन्ने के सर कनैक्शन डिफाल्टर ने हूँ तक किन्ने कट दिए, कि टीम लगी हुई है? असं पिछले 10-12 दिनों तो लगे हुए हैं जी, और 15 के करीब 1 लाख तो उपर के कनैक्शन रह गए हैं। हूँ तक असं 35 के करीब कनैक्शन कट चुके हैं, तो जी ये 1 लाख तो उपर 20 लाख की अमाउंट बनती है जी डिफाल्टर की हैगी है।
ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਾਫੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰਨ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਚੱਲ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਂਜੀ 35-40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ जालंधर सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा का नाम लेकर फोन पर समर्थकों से उधार पैसे मांगने का मामला सामने आने पर विधायक ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। शिकायत में विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि उनके पास कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि उन्हें एक फोन कॉल आई जिसमें फोन करने वाले ने खुद को विधायक का पीए बताया और फिर विधायक से बात करवाई। खुद को विधायक बताने वालों ने फोन करने वालों को कहा कि वह कहीं बाहर फंस गया है और उसके अकाउंट में पैसे डालकर घर से जाकर ले आए। कुछ लोगों ने उनको इस संबंध में फोन कर दिया। विधायक ने बताया कि जिन समर्थकों को फोन आया था उनका कहना था कि उन्हें फोन पर बात करने वाले व्यक्ति की आवाज विधायक जैसी नहीं लगी, तो उन्होंने तुरंत उनके दफ्तर पहुंच मामले की सारी जानकारी दी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कल सवेरे फोन आने सानू शुरू हो गए, साढ़े यार दोस्त सज्जन मित्र से सारे 5-7 फोन से आए उन्होंने भी रमन जी इस तरह फोन आया कि किन्ने पैसे भिजवाने क्या कहदे पैसे चाहिए, तो उन्हें कहा जी किसी तुहाडे पीए ने फोन पहला किया भी इस तरह मैं बाहर हैगा तो मेरे पेटीएम से पैसे पवा दो तो मेरे पीए को पैसे ले लो। पहला उन्हें आप गल की भी रमन जी तुहाडे नाल गल करना चाहते, फिर कुछ सैकेंड बंदे ने गल करके कहा जी मैं रमन अरोड़ा बोलदा तो मेरे पेटीएम च पैसे पा दे तो मेरे घरों पैसे पकड़ लो। पर जिहड़े मेरे जानकार सीगे उन्होंने कहा भी ये तो आवाज़ रमन जी की नहीं आई, पर उन्होंने फोन के उत्ते तो नहीं किया। बाद चो फिर मैनू क्लीयर करने वास्ते फोन किया भी सर तुसीं इदां इदां गल कही सां, तो मैं उन्होंने मना किया। इस तरह 3-4 जणिआं दे नाल उन्होंने इस तरह गल की, किसी को 20,000 मंगे, 22,000 मंगे, किसी को 25,000, किसी को 40,000, इस तरह डिमांड सुनी। कुछ पैसे ट्रांसफर नहीं? नहीं नहीं ट्रांसफर नहीं हुए जी, क्योंकि सारे ने तकरीबन मैनू कॉल कर लिया, बाकी मेरी नॉलेज नहीं है भी उन्होंने किसी ने ट्रांसफर कर दिते ने, पर जिन्हें जिन्हें ने मैनू कॉल किया उस तो बाद मैं इमीजिएटली अपने पाता पेज के उत्ते इस तरह कोई पैसे ना दे। तो फिर कोई नंबर भी है? हाँ बिल्कुल नंबर भी है और रिकॉर्डिंग भी हैगी कि किस तरह कंप्लेंट दर्ज करती सी कल ही, अज मानयोग सीपी साहब ने FIR भी दर्ज करती थी और जांच से भी उन्होंने अपनी टीम लगा दी। सुल्तानपुर लोधी के अधीन आते गांव आहली कला में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा बल मिला जब श्रोमणी अकाली दल के साथ संबंधित इलाके के नामी जत्थेदार शमिंदर सिंह संधू की अगुवाई में आहली कला और मंड इलाके के अन्य गांवों के 50 परिवार अकाली दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिन्हें आम आदमी पार्टी के क्षेत्र इंचार्ज सरदार सज्जन सिंह चीमा ने पार्टी में सिरोपा भेंट कर शामिल किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि पार्टी में समूह वर्करों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंड क्षेत्र में संधू परिवार का एक बड़ा नाम है और उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने जत्थेदार शमिंदर सिंह संधू और समूह नगर निवासियों की ओर से आम आदमी पार्टी के क्षेत्र इंचार्ज सरदार सज्जन सिंह चीमा को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब गांव आहली कला के 80% लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और हर एक चुनावों में आम आदमी पार्टी को क्षेत्र में से एक बड़ी लीड के साथ जिताया जाएगा। देखो बड़ी खुशी की गल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जदों तो आई है इदां दे फैसले रह रही है, इदां दे लोक हित दे विच उन्होंने फैसले ले ने काम कर रही है जिदे तो प्रभावित होकर संगतां जिहड़ियां जुड़ रही ने। बाकी अज सरदार शमिंदर सिंह हुणी ते इन्हां दा सारा जिहड़ा परिवार है ते नगर वासी ने जिहड़े वो अज शामिल होए ने। इस परिवार नाल मेरी पहले ही बहुत ज़्यादा नेड़ता है, सो किसी कारण करके पिछे इन्हां ने जिहड़ा नहीं साथ दिता, पर हुण अगे तो ये इस इलाके दे थम ने
ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਜਿਹੜਾ ਆਲੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੋਮਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਦੇਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਈਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਤ ਦਿਵਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗਾਓ ਚੱਕਲਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਕਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲ ਰਹੇ ਥੇ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਨਕੇ ਡੌਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਮੇਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦੀ, ਜਿਸੇ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਪਟਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਮੇਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣੇ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੈਪਟਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਕੇ ਬਹਾਵ ਮੇਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਵਹੀਂ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇਂ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ 3B1 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੌਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਵਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਲੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ DSP ਮਰਿੰਡਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ SHO ਸਿਟੀ ਮਰਿੰਡਾ ਅਤੇ SHO ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਸਦਰ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮੋਂ ਕਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕੋਂ ਕੇ ਚਾਲਾਨ ਕੀਏ ਗਏ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕੋਂ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੇ ਬੱਸ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਨੇ ਸੇ ਵੀ ਰੋਕਾ। ਬੱਸ ਚਾਲਕੋਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਰੋਡ ਪਰ ਖੜੀ ਕਾਰੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ ਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਰੋਪੜ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਜਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਲੂਟਪਾਟ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਅਬ ਚੋਰੋਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੋਂ ਔਰ ਸਟਾਫ ਸਦਸਿਓ ਮੇਂ ਚੋਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਏ ਜਾਣੇ ਕਾ ਡਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਕੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਔਰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਸਟਾਫ ਸਦਸਿਓ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਪੜੇ ਮੀਟਰ ਬੈੱਡੋਂ ਚਾਦਰੋਂ ਔਰ ਗੱਦੋਂ ਕੋ ਵੀ ਸੰਗਲ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਂਧਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਇਸੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ SMO ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਲੋਗੋ ਦੁਆਰਾ ਇਸਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਐਸਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾਏ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕੋ ਸੰਗਲੋ ਸੇ ਬਾਂਧਾ ਹੁਆ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਬਲ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਭਾਗ ਯਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋ, ਉਨ ਪਰ ਲਗਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਲਿਖਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਗਈ ਥੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਵਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਾ ਬੋਰਡ ਕਿਸੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਂ ਲਗਾਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾਟਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਚਿਵਾਲੇ ਮੇਂ ਕਾਰਿਆਲੇ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਸਭੀ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਕੇ ਲੀਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਵ ਵਰਸ਼ 2023 ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਕੇ ਕਾਮ ਕਾਜ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਮਿੰਨੀ ਸਚਿਵਾਲੇ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਸਭੀ ਵਕੀਲੋਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ, ਟਾਈਪਿਸਟ, ਅਸਟਾਮ ਫਿਰੋਸ਼ਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਔਰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮੇਕਰੋ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਾ। ਤੋ ਵਹੀ ਸਮਾਗਮ ਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਔਰ ਸ਼ੇਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ ਗਈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ, SSP ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਸੰਗਤੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ ਗਈ ਔਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕਾ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ SSP ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਰਸ਼ 2023 ਕਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਮਾਗਮ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਭੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤੋਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਫੋਟੋ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤੋਂ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਟੂਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਾਂਟਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹ ਟਾਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,
फिर पता ही नहीं की बख्श दिंदा। 2001 तो लैके सर्वसंघ धार्मिक कमेटी वीपो वालों नवे साल के उत्ते नवे साल की शुरुआत श्री खालसा साहब के भोग अनुरोध करते हैं। उस लड़ी के तहत अज भी असं श्री खालसा साहब के भोग मिनी कटरे अंदर कमरे में पाँव उपरंत इतने खुले पंडाल कीर्तन किया गया। कीर्तन तो बाद भोग पाए गए का लंगर कुछ वरत रहा। शिवसेना उत्तर भारत ने हिंदू संगठनों को इकट्ठा करने के लिए एक आवाज़ उठाई है, जिसमें सभी हिंदू संगठनों को साथ लेकर और साधु समाज के अध्यक्षता में सुंदरकांड के पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया। यह पाठ हर मंगलवार को होंगे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कंबोज जालंधरी, राष्ट्रीय चेयरमैन कपिल वर्मा, राष्ट्रीय प्रभारी सोनू थापर, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नाना जी, सुनील सहगल, अजय कुमार, चंद्र प्रकाश, गुलशन शर्मा, सोनू, विकास, सोहम, आशीष हीर, सचिन, आशु, राहुल, अतुल ने इन पाठों में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवसेना उत्तर भारत जल्द ही हिंदू संगठनों को इकट्ठा कर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगा। जालंधर से हलचल की स्वरूप संगीत सदन बरनाला में नववर्ष के शुभ अवसर पर शरद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब सुप्रीम के अध्यक्ष सुख दर्शन सिंह संदियोड़ा ने संगीत की देवी मां सरस्वती जी की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद शिमला से विशेष तौर पर पहुंचे गायक गुंजन चन्ना, हारमोनियम वादक मुनीश कुमार और तबला वादक सतपिंदर सिंह सैफी ने अपने कला का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान स्टेज संचालक अनिल दत्त शर्मा ने बखूबी निभाया। इस मौके पर डॉक्टर जगमोहन शर्मा पटियाला वालों को संगीत के प्रति दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि सुख दर्शन सिंह संदियोड़ा, महासचिव कमल शर्मा और संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने कलाकारों को मोमेंटो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब सुप्रीम के प्रोफेसर दर्शन कुमार, शिव सिंगला, अरुण कुमार, जितेंद्र गोयल, सुख महिंदर सिंह संधू, रुपिंदर संधू, सुखविंदर सिंह, रविंदर शारदा, एडवोकेट जनक राज गार्गी, राधिका गार्गी, संगीत शर्मा, बसंत गोयल, राजेंद्र गार्गी, राकेश बबलू, डॉक्टर अनीश प्रकाश, मोहिंदर कपिल, कुलदीप जोशी, प्रिंसिपल विनोद शर्मा और संगीत सदन के छात्र भी मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज बरनाला में श्री राम स्वरूप संगीत सदन की ओर से क्लासिकी मौसीकी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के युवा कलाकार मिस्टर गुंजन चन्ना ने अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। अपने गायन में उन्होंने सबसे पहले राग केदार, भजन, गीत गजल और एक ठुमरी पेश की,
उनके गायन का मुख्य आकर्षण हिमाचल का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत मायने मेरिए गाकर उन्होंने खूब तालियां बटोरी। उनके साथ तबले पर संगति पटियाला खालसा कॉलेज के प्रोफेसर सतपिंदर सिंह सैफी ने बखूबी निभाई और हारमोनियम पर उनके साथ कसौली के मनीष कुमार ने बेजोड़ संगत की। एंटी करप्शन एंड क्राइम की प्रेसिडेंट मंजू अरोड़ा की ओर से नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्री देवी तालाब मंदिर के बाहर बैठे लोगों के लिए चाय एवं रस का लंगर लगाया गया, जिसके बाद मंजू अरोड़ा की ओर से जालंधर के रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे गरीब लोगों के लिए भी चाय रस एवं बिस्किट का लंगर लगाया गया ताकि गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत मिल सके। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मंजू अरोड़ा, मैं सारिया नू देशवासिया नू नवे साल दी बहुत बहुत बधाई दिनी है और मेरी संस्था दे सारे टीम मैंबर मेरे नाल ने वो भी सारिया नू देसा परदेसा जेड़े बच्चे बैठे ने मेरे सारे वीर भैनों नू नवे साल दिया बहुत बहुत मुबारक। मैं नाल ही लोहड़ी और माघी दिया भी सारिया नू बहुत बहुत मुबारक दिनी है और सारी मेरी टीम मेरे नाल अगे बाद चढ़ के चल के जिथे फुटपाथ गरीब बैठे ने धुंदा बहुत पै रही ने धुंदा पैन दे बेचारे को बहलना बहुत मुश्किल है तो साड़ी सारी टीम मेरे नाल चल के उन्होंने चाह बिस्किट और रस का असी लंगर लगाने रल मिल के टीम मैंबर और सारियां नू असी चाह का लंगर लगा के और चाह वंडी जाती है टर्न बाय टर्न जिधर नू असी घूमांगे जिथे फुटपाथ है असी गरीब लोग देखांगे। इन्नी ही ठंड पै रही है लोगों को तरस आना चाहिए कोई साढ़े नाल तुरन और जो भी जिन्हें भी योगदान देना सानू देन देन चाहे ना देन बट गरीबां दी देख रेख करन जां उन्हां नू कंबल देन जां जिहड़ी चीज़ की लोड़ है टोपी जराबा किसी चीज़ की भी लोड़ हैगी है उन्हां नू प्रोवाइड कीती जाए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। बच्चे अनु चिट्ठियां मैया ने कलिया जदो पोरिया ठंडिया हवावा चलिया हवावा चलिया। बच्चे अनु चिट्ठियां मैया ने कलिया जदो पोरिया ठंडिया हवावा चलिया हवावा चलिया। बच्चे अनु चिट्ठियां मैया ने कलिया जाकी ममता ते दिला च उबाला गए जाकी ममता ते दिला च उबाला गए जाकी ममता ते दिला च उबाला गए याद मेरी नू बिछड़े लाला गए। जीवन दे डूंगे सागरा च तेरे आसरे लाइया तारिया मां सागरा च तेरे आसरे लाइया तारिया मां तेरे आसरे लाइया तारिया मां तेरे आसरे लाइया तारिया मां। जो तन मन साडा साड़ दिया ओ पठिया तुयो ठारिया मां आकाश हो जाए गया।
कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता इंद्र कृष्ण चुग, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय इंद्र कृष्ण चुग की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर ब्यास गद्दी पंडित विपिन शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक केडी भंडारी, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, तरसेम कपूर, डॉक्टर सतीश शर्मा, कमलजीत सिंह भाटिया, जसपाल कौर भाटिया, कांत करीर, योगेश मल्होत्रा, दीपक सूरी, अमित लुद्रा, किशन लाल खंडवाले, जयकिशन बाली, राजकुमार कलसी, लक्की मल्होत्रा, सतपाल पप्पू, रामपाल शर्मा सहित पारिवारिक सदस्यों में रोहित चुग, मोहित चुग, साक्षी चुग, एकता चुग, बबीता सूरी, राजेश सोनी, अलका सोनी, विवेक सेठी, शालिनी सेठी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय इंद्र कृष्ण चुग को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेनू ते चीनू ओ गल्ला तुहानू याद मान किया। आज मेनू जी चीनू जी तुसी कह रहे हो पिता जी चले गए, वैसे पिता जी गए थे, शरीरों नाश मालूम पिता जी का मिट्टी का शरीर खत्म हुआ, तो पिता जी आज भी देख रहे ने कौन आ रहे है कौन जा रहे है, केड़ा इंसान है जेड़ा साडे नाम के उत्ते सत संग सखा सब तज गए हो कौ न निभे हो साथे कहो नानक इस विपत में एक एक रघु नाथ। प्रभु की अरदास करना कि प्रभु इस पवित्र आत्मा इस त्रिगत आत्मा नो अपने चरणों च स्थान दई, जो अजनम एक राष्ट्रीय सेवक संघ दे संसद रहे ने उन्होंने अपने घर च स्थान दई, और जी फुलवाड़ी चुग साहब पिछले छड़ गए ने बेटियां दोनों अपने अपने घर चुग साहब के दिते हुए संस्कार फैला रही ने, दोनों बेटे रोहित और मोहित समाज के एक ईमानदारी अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं एक बार फिर परमपिता परमात्मा की अरदास करता, हे परमात्मा उस दुर्गत आत्मा को अपने चरण स्थान दे। ओम शांति शांति। भगत जी इतने बैठे आ कि उन्होंने एक गल कहनी कि तुम मेरे इलाके की फिक्र ना करो, ये मैं आपके सामना कालिया साहब आए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत नेड़े का संबंध रहा, इन्होंने भी चोग साहब के बारे पता है कि कर्मठ कर्म योगी और समाज के सेवक के तौर पर संघ के सेवक के तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी निभाई। जो सा फ्रीडम फाइटर महंत आग्या सिंह पारक बनया वो सरपंच से चेयरमैन से और नाल के नाल एक प्रेरणा सोर्स है डिवेलपमेंट के मुद्दे के उत्ते उन्होंने हमेशा मैंने प्रेरणा दी कि भाटिया जी ये काम जारी है समाज लिए बहुत जरूरी ने इलाके लिए बहुत जरूरी ने। अब मैं समझदा कि जो घाट रोहित और मोहित को पई है निजी तौर पर मैंने भी वो घाट बहुत अच्छी पई है। अपने बहुत ही सत्कारयोग श्री इंद्र कृष्ण चुग जी की अंतिम अरदास में शामिल होने आए हैं, मेरे तो पहले सारे ही साथियों ने बड़े ही विस्तार चुग साहब के जीवन बारे दसिया है। एक गल ठीक है कि जो भी इंसान दुनिया से आता है अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जाता है, सिर्फ नहीं जाना है, पर जिवें दसिया गया डॉक्टर साहब ने दसिया है कि इंसान जीवन और मौत के विच जैसा जीवन बतीत करता है वैसे उसकी पहचान बनती है। चुग साहब ने अपने जीवन के जिते पढ़ लिख के पहले अपने जीवन में सवार बैंक के नौकरी की और सबका नौकरी दरमान भी सहयोग किया, अपने बच्चों पाल पोस के अच्छे संस्कार दिए, अच्छा नागरिक बनाया, तो ना जो आदमी का सब तो जो जिंदगी का असली मकसद है परमात्मा को याद रखना, परमात्मा के काम में हमेशा कुछ ना कुछ सहयोग करना। बड़े भागा वाले सन जिन्होंने बाबरी मस्जिद के जो अयोध्या के ध्वस्त पई उत्थे जाकर उन्होंने अपना योगदान पाया। स्वर्ग उसका घर परिवार है, शास्त्रा च लिखा कथन श्री इंद्र कृष्ण चुग
ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੋਲਦਾ ਹੈ। 82 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਾਈ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਸੁਸਤੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਫਤਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਬੇਟੇ ਰੋਹਿਤ ਮੋਹਿਤ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਚੁੱਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਚ ਵੀ ਗਏ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਚੁੱਕੀ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा के बस स्टैंड के पीछे चोरों ने एक बंद पड़े घर को बनाया निशाना, नकदी गैस सिलेंडर और सोने के गहने चोरी कर हुए फरार। जालंधर की न्यू गुलमोहर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक किराने की दुकान में लगी आग, 5 खड़ी कार को भी लिया अपनी चपेट में। सब डिवीजन तलवंडी साबो में पावर कॉम ने बिजली का बिल ना भरने वालों के खिलाफ शुरू की मुहिम, कई लोगों के काटे बिजली के कनेक्शन। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।